मॉर्निंग कुंदनलाल जी। अरे कहाँ की गुड मॉर्निंग राम प्रसाद जी, अब तो बैड मॉर्निंग का। अरे क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो ना भाई, हम पार्क में सुबह शाम इसलिए आते थे कि कुछ शुद्ध हवा मिलेगी, पर अब यहाँ भी इतना प्रदूषण है कि सांस भी ठीक से नहीं ले पाते। आप तो सरकार में हैं, कुछ करते क्यों नहीं इसके लिए? तो इसमें किसी और को क्या दोष देना, ये सब तो हमारा ही किया धरा है। ये आप क्या कह रहे हो राम प्रसाद जी, हमने कौन सा कहीं आग लगा रखी है? आग नहीं लगाई तो पेड़ भी तो नहीं लगाए क्या? जी हाँ, ये जितना भी प्रदूषण आप देख रहे हो या महसूस कर रहे हो, ये सब कम पेड़ों की वजह से ही है। हम सब लोग सरकारों को तो दोष देने लग जाते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन खुद अगर 10 कदम भी कहीं जाना हो तो गाड़ी के बगैर नहीं जाते। सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो उसे घुमाएगी और सब सही हो जाएगा। ये हम सबकी समस्या है और इसकी जिम्मेदारी भी हम सबको खुद ही उठानी होगी। आज प्रदूषण की समस्या इतनी गंभीर होती जा रही है कि अगर हमने इसके लिए कुछ नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब हमें ऑक्सीजन मास्क पहनकर घर से निकलना पड़ा करेगा। हाँ ये बात तो है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए राम प्रसाद जी? हम सबको चाहिए कि हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, हमें हर साल कम से कम उतने पेड़ लगाने चाहिए। और हाँ, सिर्फ लगाने ही नहीं चाहिए बल्कि उनकी अच्छे से देखभाल भी करनी चाहिए, कम से कम 1 साल तक। यदि हम सब लोग ऐसा करते हैं तो हमारे देश में हर साल लगभग 130 करोड़ पौधे लग सकते हैं जो अगले साल तक पेड़ बन जाएंगे। और यदि 10 साल तक हम लोग ऐसा करते हैं, तब कहीं जाकर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा पर्यावरण दे सकते हैं। आप सब से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब भी साल भर में उतने पेड़ जरूर लगाएं जितने आपके घर में सदस्य हैं, तभी हम जाकर एक अच्छी गुड मॉर्निंग दे पाएंगे।